you can do for reducing gas and bloating, for reducing constipation, migraine and body ache. Please practice this. So I'm going to start with Vipreet Karni, जिसको अभी ये भी कहते हैं ऊर्ध्व पादोत्तनासन. तो उसके लिए आपको एक वॉल की जरूरत है. Lie down like this, okay? And once you're lying down like this, तो आप आपके अपर बॉडी से आगे आ जाइए. एक बार आप आपके अपर बॉडी से आगे आ गए तो फिर एक पैर आप ऊपर लेके जाइए, फिर दूसरा पैर भी आप ऊपर लेके जाइए. एंड देन आपको क्या करना है कि आपके हिप्स जो है उसको आपको वॉल की तरफ चिपकाना है. सो यू हैव टू स्टिक आउट योर हिप्स टू द वॉल, एक्सटेंड योर लेग्स अप, मेक श्योर दैट योर नीज आर नॉट बेंड. सो नीज आर एक्सटेंडेड, हील्स आर अप और आपके टोज जो है वो आपके तरफ आने चाहिए. और राइट और लेफ्ट लेग, ऐसा उसको मत करना कि एक लेग ज्यादा एक्सटेंड हो गया एंड स्टफ. दोनों लेग आपको इक्वली एक्सटेंड करने हैं. तो ये हो गया आपका पहला आसन. सेकेंड आसन यू हैव टू डू फॉर रिड्यूसिंग गैस एंड ब्लोटिंग इज टू जेंटली सेपरेट योर लेग्स फ्रॉम ईच अदर. द एडक्टर्स इनर थाई इन गेट स्ट्रेच एंड द एबडक्टर्स मतलब ये जो आउटर थाई है इनको भी अच्छा काम मिलता है. पिलर के थ्रू कर रही हूँ क्योंकि फिर क्या होता है कि नी कंपल्सरीली एक्सटेंडेड या सीधा रहता है, अगर नहीं तो हमारा पैर ऐसे हो जाता है. तो ये नहीं करना है. नीज एक्सटेंडेड, हील इज स्ट्रेट, टोज आर टूवर्ड्स यू, हिप्स आर टूवर्ड्स द वॉल एंड द थाइज आर फ्लैट. दिस इज द सेकेंड पॉस्चर दैट यू आर गोइंग टू डू. इन द थर्ड पॉस्चर यूज योर हैंड्स एंड सपोर्ट योर आउटर थाई and gently bring both your legs together. You need to bring your feet together and then slowly bring your feet as close to your pelvic as you can. धीरे धीरे आपके pelvic की तरफ आप लेके आइए इसे. And then as you bring it close, use your hands to gently push your knees towards the wall. अभी आप आपके पैर या knees जब आप wall की तरफ gently push कर रहे हो तभी ध्यान में रखिए कि शोल्डर्स को उठा के ईयर्स के तरफ मत लेके जाइए. शोल्डर्स हैव टू मूव डाउन टुवर्ड्स योर हिप्स, द हिप्स हैव टू मूव टुवर्ड्स द वॉल. फ्रॉम द वॉल योर लेग हैज टू गेट एक्सटेंडेड, योर फीट आर कमिंग टुगेदर, यूज योर हैंड्स टू जेंटली पुश दिस. सो जिनको भी माइग्रेन और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ये आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कर सकते हैं, अबाउट एन आवर आफ्टर your breakfast or an hour after your lunch. जिनको को भी sleeplessness और body ache का problem है आप भी इसको रात में कर सकते हैं क्योंकि रात में ही आपका ज्यादा gas और bloating बढ़ेगा. So these are the three asanas. Now from this posture to get out of this pose, plant your feet firmly on the wall and let your knees come towards your chest. इस पोस्चर में भी शोल्डर्स को ऊपर मत लेके जाइए, शोल्डर्स को नीचे ही रखिए. स्टे हियर टिल यू आर कंफर्टेबल एंड देन स्लोली पुश योरसेल्फ अ लिटिल अवे फ्रॉम द वॉल. अगेन पुल योर नीज हियर टिल यू आर कंफर्टेबल, देन रोल ऑन वन साइड, मेक अ पिलो आउट ऑफ योर हैंड, स्टे देयर एंड देन पुश इनटू द फ्लोर एंड गेट अप.